उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जिले में इस बार किसानों ने 20,000 हेक्टेयर में आलू की बुवाई की है। आलू के उत्पादन में बीते वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस बार 5,00,000 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। किसानों ने लगभग 1,60,000 मैट्रिक टन आलू की बिक्री खुदाई के समय ही कर दी। लगभग 3,36,000 मैट्रिक टन आलू 35 कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिया। किसानों को उम्मीद थी कि बाजार में जब कम आलू आएगा तो कीमतों में उछाल अपने आप आ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मंडी में अब भी आलू की कीमत 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति पैकेट ही है। इस कीमत पर आलू बेचकर किसान को लागत निकालना तो बहुत दूर की बात, कोल्ड स्टोर का किराया भी नहीं निकल पा रहा है। देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज में 120 रुपए प्रति पैकेट आलू का भंडारण शुल्क लगता है। इसके अलावा 20 रुपए बारदाना और कोल्ड स्टोरेज तक आलू लाने ले जाने का खर्च भी 30 रुपए प्रति पैकेट तक आ जाता है। ऐसे में 50 किलो के एक आलू के पैकेट पर कोल्ड से निकाल कर मंडी पहुंचाने तक 170 रुपए का खर्च आता है, लेकिन मंडी में एक पैकेट की कीमत 150 रुपए से 200 के बीच है। अभी कोल्ड स्टोरेज में 2,50,000 मैट्रिक टन आलू है। कोल्ड स्टोरेज में आलू के भंडारण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में निर्धारित समय से पहले कोल्ड स्टोरेज संचालक आलू की बिक्री भी नहीं कर सकते हैं।